प्रभास करते हैं इनायत खलील के लिए काम? क्या प्रभास होंगे यश के दुश्मन? आखिर ये मूवी किस मूवी का रीमेक हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। KGF चैप्टर 2 के रिलीज के बाद से फैंस इसके चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेसब्री से। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि KGF चैप्टर 3 इस KGF यूनिवर्स का एंड गेम होने वाला है। तो अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बहुत ही बता दी KGF के बारे में। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या सालार KGF का पार्ट हो सकता है या नहीं, और क्या होगी इसकी टाइमलाइन और क्या होगा इसका स्टोरी लाइन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताऊं कि सालार का KGF से कनेक्टेड होने के लिए 3 केसेस बनते हैं। पहला ये कि प्रभास का कैरेक्टर फरमान का होगा, जो कि इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा और KGF से कनेक्शन रखता है। दूसरा ये कि प्रभास का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग होगा, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से KGF से कनेक्टेड होगा। और तीसरा ये कि सालार एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट मूवी होगी, इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा KGF से। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, यानी कि सालार में फरमान का कैरेक्टर प्रभास प्ले करेंगे। तो अब KGF चैप्टर 2 में हमें ये तो नहीं दिखाया गया था कि फरमान की मौत हो गई है, और हमने ये भी देखा है कि इस मूवी के सालार के पोस्टर में प्रभास के हाथ में जो लॉकेट है वो हमने फरमान के गले में देखा था, वो सेम लॉकेट है और कई तरीके से बैकग्राउंड भी मैच करता है KGF की कहानी से। तो ऐसा हो सकता है कि फरमान का कैरेक्टर ही प्रभास हो और आगे जाकर इस मूवी से हमें उसका कनेक्शन दिखाया जाए। तो इस हिसाब से सालार की टाइमलाइन KGF 3 के साथ मैच करती है। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि रॉकी किस तरीके से जिंदा बचा होगा। ये भी दिखाया जा सकता है कि फरमान किस तरीके से रॉकी के लिए काम करता है, और इसी तरीके से ये दोनों मूवीज कनेक्टेड हो सकती हैं। अब अगर बात करें दूसरे केस की, जिसमें ये बात हो रही थी कि सालार का कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा लेकिन KGF से कनेक्टेड होगा, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि सालार यानी कि प्रभास का कैरेक्टर या तो इनायत खलील या तो गरुड़ा के लिए पहले काम करता रहा होगा, और यश से अभी तक उसकी मुलाकात नहीं हुई है। यानी कि ये टाइमलाइन होगी 1970s की, और उसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि तब तक यश को KGF के गोल्ड माइंस के बारे में पता भी नहीं था, और प्रभास का कैरेक्टर या तो गरुड़ा के लिए काम करता था या फिर इनायत खलील के लिए। और हमने पोस्टर्स में भी देखा है कि प्रभास का गेटअप जो है वो ब्लैक कपड़ों में है, और हमने ये भी देखा है कि इनायत खलील के सारे आदमी ब्लैक कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये कनेक्शन भी इस फिल्म में दिखाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यश और प्रभास एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और ये टक्कर काफी देखने वाली होगी। अब आते हैं तीसरे केस पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सालार एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट मूवी होगी, इसका KGF से कोई कनेक्शन नहीं होगा। हमने प्रशांत नील को भी कई बार ये इंटरव्यूज में कहते सुना है कि सालार KGF जैसी मूवी होगी, यानी कि KGF जैसा इसमें कुछ हो सकता है, गोल्ड माइंस का कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोनों मूवीज बिल्कुल भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी थ्योरी सच होती है। अब तो ये KGF के आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी सच होती है और कौन सी झूठ। आप कितने एक्साइटेड हैं KGF चैप्टर 3 के लिए, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।